नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। बिहारी खाने के बारे में बात करते हुए ज्यादातर लोग लिट्टी चोखा से आगे बढ़ ही नहीं पाते। आज हम बिहारी खाने की कुछ खासियतों को समझाएंगे। बिहारी खाना काफ़ी हद तक इटालियन खाने जैसा होता है। ये सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये बात 100% सच है। बिहारी खाना काफ़ी हद तक इटालियन खाने की तरह ही होते हैं। ऐसा क्यों है ये हम आपको बताते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि इटालियन खाने में ऑलिव ऑयल को ऊपर से प्रयोग किया जाता है। कई तरह के ऐसे इटालियन खाने होते हैं जैसे कि पास्ता, ब्रेड्स और अनेकों डिशेस जिनमें ऊपर से ऑलिव ऑयल डाला जाता है। वहीं हमारे बिहारी खाने में भी सरसों के तेल को कच्चा ही उपयोग किया जाता है, चाहे वह आलू का चोखा हो या बैंगन का भरता। इन सब बिहारी खानों में कच्चे सरसों का उपयोग लिया जाता है। चावल के मुरमुरे हो या मूढ़ी में सरसों तेल या फिर सरसों तेल की चटनी डालकर बहुत स्वादिष्ट नाश्ता बनाया जाता है। बिहार में नाश्ते को जलखय भी बोला जाता है। जलखय बोलने का मतलब हल्का खाना। वहीं कच्चे सरसों के तेल की सौंधी खुशबू इस डिशेस को अलग ही लेवल पर ले जाती है। साथ ही बिहार के खानों में एक खास बात है और वह ये है कि भोजन या खाने पीने की चीज़ें में से कोई ऐसी डिशेस मिलेंगी जिनमें पकाने की प्रक्रिया कम होती है। बिहार में अनेकों इलाकों में लौकी या फिर तोरी, जिनको हम आम भाषा में नेनुआ भी बोलते हैं, उनमें कच्चे चने डालकर पकाया जाता है। पकाने से पहले चनों को कुछ घंटे पानी में भिगोकर रखा जाता है। आप जब उसे खाएंगे तो आप यह पाएंगे कि काले चने का बहुत अधिक गलाया नहीं जाता है, बल्कि उसमें एक क्रंच बना रहता है। कई सब्जियों में दाल भी डालकर पकाया जाता है, लेकिन दाल भी बहुत नहीं पकाई जाती। वहीं इटालियन खाने की बात करें तो उनमें ऐसे काफ़ी डिशेज हैं जिनमें बिहारी खाने की तरह ही कच्चे सब्जियों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें वे सेमी कुक फूड यानी आधा पका फूड कहते हैं। वहीं कई ऐसे डिशेज होती हैं जो कि बिहारी खाने की तरह ही कच्चे सब्जियां भी डालकर पकाई जाती हैं। इन सब के बीच एक और रोचक बात हम आपको बताते हैं कि बिहारी खाने में अधिकतर सरसों का तेल उपयोग किया जाता है, जो बहुत स्वास्थ्यकारी माना जाता है। वहीं इटालियन फूड में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके अलावा बिहारी खानों में अभी तक क्रीम और चीज़ का हमला नहीं हुआ है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वह अच्छे माने जाते हैं, मगर इटालियन खाने में इन्हीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से बिहार अभी तक भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ डायबिटीज़ और शुगर ने हमला नहीं किया है और उससे लोग परेशान नहीं हैं, जिस तरह से भारत के अन्य इलाके परेशान हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, बिहारी खाना ज़्यादा बेहतरीन है या इटालियन खाना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।